So let's get back to the class and not Parish. So I was coming to the institute. So I was just thinking, I'm a proud Indian. We all are proud Indian. But is India proud of us? एकदम से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, पता नहीं कहाँ से आया. बहुत जगह मैं बोलता हूँ आई एम अ प्राउड इंडियन. जब क्रिकेट का मैच जीते थे कल, तब भी वी फील वी आर वेरी प्राउड टू बी इंडियन. बट इज इंडिया प्राउड ऑफ अस? क्या हमने कुछ भी ऐसा काम अपनी लाइफ में किया कि वी आर कंट्री कैन से या दिस इज द गर्ल, दिस इज द गाय फॉर हूम वी आर प्राउड? व्हाट आर वी वर्किंग फॉर एंड व्हाई आर वी वर्किंग फॉर समथिंग? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. हम क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है? I interact with youth a lot. I interact because that is where I can relate the most. We are the largest country of the youth around the world. I was just researching on a fact with some of the young students of Gujarat University and Gujarat Technical University. We had a data. All the universities across the state of Gujarat clubbed together, number of students would be more than the number of people in 85 countries. सिर्फ गुजरात के स्टूडेंट बेस इतना बच्चा है जो 85 कंट्रीज की पॉपुलेशन से ज्यादा है. फिर भी द लेवल ऑफ इनोवेशन इन आवर कंट्री इज हाउ मच? टेल मी वन इनोवेटिव प्रोडक्ट और वन इनोवेटिव सर्विस ऑफ विच वी आर प्राउड ऑफ. टुडेस सेशन वुड बी डिवाइडेड इन टू बेसिक पार्ट्स. पहला पार्ट वुड बी द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द सेकेंड पार्ट वुड बी how we can take the future together. So in this whole session, if anyone is bored, because I would be bored by myself, you can always leave the class, that is not an issue. You can use your mobiles, play games, that is not an issue. But the interesting part of the today's session would be how we can together, collectively, do something for the so-called Mother India. There are how many countries in the world? Some 200, UN says 205, sometimes it says 207. 200 average pakad lo. 200 countries mein se, is there any country in the world jiske naam pe ocean hai? India. Kitne oceans hai? 4 oceans. General knowledge ka test nahi hai, koi baat nahi. Jitne bhi ocean hai, par एक ही ओशन है जो पूरे का पूरा हमारे देश को समर्पित है. औरंगजेब रोड को अभी एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया है. व्हाई डू अ रूट इज समटाइम्स नोन बाय अ कंट्री, अ पर्सन. अभी जैसे जाइडस रोड हो गया है एसजी हाईवे पे, अगर आप वो देखो जाइडस हॉस्पिटल के कारण, लैंडमार्क के कारण. भारत महासागर जो नाम है वो कैसे आया? नहीं, भारत महासागर, हिंद महासागर दूसरी चीज है. जैसे महासागर होते हैं ना ओशन, किसी भारत महासागर, इंडियन ओशन, इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम इसलिए पड़ा, दुनिया में 10,000 साल से पहले तक और अब तक हमारा देश ही एकलौता ऐसा देश है जिसने कभी भी ये सोचा नहीं कि किसी दूसरी कंट्री को एनक्रोच करे, किसी दूसरी कंट्री पे जाके कब्जा करे. कभी आपने सुना कि अशोक उठा एक दिन, चलो कब्जा करने चले बांग्लादेश को? अलेक्जेंडर द ग्रेट इज ग्रेट बिकॉज ही ट्राइड टू कॉन्कर द वर्ल्ड. नेपोलियन वॉज द ग्रेट बिकॉज ही वॉज कॉन्करिंग द वर्ल्ड. अशोक वॉज द ग्रेट बिकॉज ही लेफ्ट द वॉरिंग फ्रंट आफ्टर द कलिंगा वॉर. महात्मा गांधी इज ग्रेट बिकॉज ही डिड नॉट फाइट टू गेट अस फ्रीडम. सुभाष चंद्र इज ग्रेट बिकॉज ही वॉज फाइटिंग फॉर गेटिंग फ्रीडम. आर कंट्री नेवर एवर इन द हिस्ट्री एंड इवन इन द फ्यूचर वुड नेवर ट्राई टू कॉन्कर अ कंट्री. व्हाई? किसी और दुनिया के देश को हमने सोने की चिड़िया के नाम से सुना है? क्यों? हमारे देश में बहुत सोना है इसलिए, जॉय लुकास बहुत पहले से इसलिए, कल्याण ज्वेलर्स था इसलिए. हमारे देश में कोई चिड़िया ऐसी नहीं थी जो सोने की थी. हमारे देश में जो देशवासी थे ना वो थे सोने के. हैव यू हर्ड ऑफ मिडास टच?
जिस भी चीज को टच करो सोने की हो जाती, उसी तरीके से हम किसी भी चीज को छूते थे या कुछ भी करते थे वो उड़ पड़ती थी सोने की तरह. सो दैट वॉज योर नेशन भारत. लेट्स कम बैक टू भारत महासागर. नाम कैसे पड़ा? पोर्चुगीज, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ऑल द यूरोपियन नेशंस ट्राइड टू कम टू इंडिया, लर्न फ्रॉम इंडिया, कैप्चर समथिंग फ्रॉम इंडिया एंड गो बैक टू योर देयर नेशन. कोलंबस किसको ढूंढने निकला था? इंडिया. उसको मिले कौन? रेड इंडियंस. कहां? अमेरिका में. कभी सुना कि चाणक्य निकला है यार चलो अमेरिका ढूंढने चलते हैं. बाबर ने सोचा यार इंडिया नहीं यार चाइना पे जाता हूं. रीड ऑल द हिस्ट्री बुक्स. एवरी पर्टिकुलर रूलर फ्रॉम देयर पर्टिकुलर कंट्री ऑलवेज हैड अ विजन टू कम टू इंडिया, लर्न फ्रॉम इंडिया एंड गो बैक टू देयर कंट्री. कभी किसी रमेश को भेजा जाके पढ़ के यार चाइना में? ह्यून सैन को भेजा था यहां पे, गो एंड स्टडी इंडिया, व्हाट आर इंडियंस डूइंग. सो व्हाई द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज नो मोर ग्लोरियस एनीमोर? क्यों हमारा बच्चा इज स्ट्रगलिंग फॉर अ वीजा फॉर ऑफ अमेरिका? वेयर आर इंडियंस? आई वॉज अगेन अमेज्ड बाय दिस क्वेश्चन. अभी हम लोग सिलिकॉन वैली में इंडियंस ढूंढते हैं, यूके में इंडियंस जाके ढूंढते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस ढूंढते हैं, पर इंडिया में हमें इंडियंस नहीं मिलते. सो वेयर आर इंडियंस? हमारी इंडियननेस तभी आएगी जब हम बाहर जाके कोई काम करके आएंगे. कि हमारी इंडियंस हमारे देश में भी आ सकती है. व्हाई आर द मोस्ट पेड पीपल इन सिलिकॉन वैली इन अमेरिका आर इंडियंस? व्हाई आर द मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स इन यूके आर प्रेजेंट आर इंडियंस? How have the Dubai been developed only by Indians, by the Indian laborers? But our country is not developed by Indians. 120 crore की population होने के बावजूद भी हम लोग 120 लोग नहीं बोल सकते जिसपे हमको विश्वास है जो हमारे देश को आगे लेके जाएंगे. Can you name even 10 people whom you believe would be those people who will be working selflessly for this country? You can find thousands of names if you ask your grandfathers. There was a term known as nationalist, which is evaded, which is no more existing in our country. Pehle we were working in two parts. The first part, the 70% of our work was for the country. The next particular work was for the family. And there was no work for the self. I never wanted to work. I always wanted to work for my nation. 1947 तक, 1947. अब उल्टा हो गया. 99% हम काम करते हैं सेल्फ के लिए, 1% काम करते हैं दिखावे के लिए. दुनिया को दिखना चाहिए. We should have more likes. ज़्यादा Facebook में likes होंगे. Amazing part. What are we good at? What are we good at? You can say US is good at the best technologies and everything. Japan is good at providing the best machineries. China is good at the best labor quality. What are we good at? German can be known for the automobile industry. What is my country known for? What is my country known for? Culture. Which culture are you talking about? Hardik Patel wala culture. What is my country known for? We have no answers to it. And we never thought about it. Because we have never worked for my country, our country. Humne hamesha kaam kiske liye kiya hai? Maine na recently gaadi khareedi. Gaadi mein na kisi peeche meri parking mein lagi thi, kisi ne scratch maar diya. Jaise scratch maara tha mujhe bahut dukh hua. मैं पूरा दिन सोचता रहा स्क्रैच कैसे जाएगा, नई गाड़ी है, नंबर भी नहीं आया, स्क्रैच लग गया, मुझे बहुत दुख हुआ. फिर मैं रास्ते जाते गड्ढे में गिरा, मतलब टूटी रोड है तो गिर पड़ा टायर, फिर घर वापस गया. तो दैट इज द टाइम आई रियलाइज कि सड़कों में इतने गड्ढे, देश में इतने गड्ढे, मुझे कोई फर्क कभी नहीं पड़ा. आई एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन हैव नेवर रियलाइज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई नो माई राइट्स एज अ लॉयर. आई नो माई राइट्स. I tell my clients their rights, but I never tell them their duties.
And no one had ever come to me, ki Manasvi, as Indian, what are my duties for this nation? Everyone is coming to me for their rights. Police wale agar FIR nahi likhte, wo unka hak hai. FIR darj karne ka. Hamara hak hai FIR likhwane ka. Par hamara kya hak hai is desh ke liye kuch karne ka, kisi ne mujhe kabhi nahi pucha. Are we just citizens to enjoy this nation, to criticize this nation? और जहां कुछ खराब होगा इस देश में, किसी का रेप होगा, तो एक मोमबत्ती लेके हम रात को निकल पड़ेंगे और बोलेंगे खराब हुआ? क्या हम एक्चुअल में कुछ कर सकते हैं इस देश के लिए? हाउ इज अमेरिका बिल्ट? हाउ इज पेरिस बिल्ट? हाउ इज दुबई बिल्ट? हाउ इज एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड बिल्ट? अ नेशन इज बिल्ट बाय नेशनल्स, नेशनलिस्ट पीपल. हाउ वुड वी बिल्ड इंडिया? व्हाई? सोचो एक सिनेरियो, शाहरुख खान जाता है अमेरिका, उसकी बेइज्जती करते हैं. ब्रैड पिट यहाँ पे, हम उसकी बेइज्जती करें? हमको बेइज्जती किसी की नहीं करनी. पर वाई आर वी वॉन्टिंग टू गो टू अनदर कंट्री? लेट्स गो बैक टू द पास्ट. दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? यू डोंट थिंक इट्स राइट? इट्स वेरी मच राइट. 700 BC, द फर्स्ट विश्वविद्यालय, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड वॉज फ्रॉम इंडिया. तक्षशिला इज नाउ इन पाकिस्तान, फॉलोड बाय नालंदा यूनिवर्सिटी. तक्षशिला यूनिवर्सिटी 40,000 बच्चों को हर साल ग्रेजुएट करते थे 60 डिफरेंट सब्जेक्ट पे. दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी. नेविगेशन स्टार्टेड फ्रॉम इंडस रिवर. नेविगेशन इज अ संस्कृत वर्ड, नविगत. नाव, नौका इज अ संस्कृत वर्ड फ्रॉम विच नेविगेशन स्टार्टेड. वी वर द पायनियर पीपल हु स्टार्टेड नेविगेशन, एंड थ्रू नेविगेशन पीपल स्टार्टेड कॉन्करिंग, रिसर्चिंग, सर्चिंग द वर्ल्ड. As you were talking, कि कोई भी इंडिया का राजा नहीं था जिसने कुछ कॉन्कर करने की कोशिश की. वास्को डेगामा किसको ढूंढने आया था? भारत को, भारत की खोज के लिए निकला था. बट वास्को डेगामा saying something very interesting in his autobiography. He writes that I came for the fourth time at Cape of Good Hope. South Africa में कहीं है Cape of Good Hope. So earlier three times when I entered Cape of Good Hope, I struggled to reach India. Why did I struggle? Because of however large vessel, the ship I had, tufani samundar, tez barishe, stopped me to move further. But this time, fourth time, I was very lucky. Why was I lucky? The fourth time was, I found a guy who said, Vasco, tension mat le, I'll show you the way towards India. Who was this guy? Very interesting. At that particular time, in the 17th or the 18th century, it was considered duniya ki sabse badi ship Vasco da Gama ki hai. And Vasco da Gama in his official autobiography says that this guy had four times my ship. His ship was four times my ship. And uski char aisi ships thi. Aur usne mujhe bola, Vasco, bhai tu beech mein rakh. Aage peeche aaju baaju main apni ship rakhta hoon. Aur tujhe Bharat ke darshan karata hoon. And what was this guy doing there? Very interesting. Wahan pe kaise mil gaya Vasco? This guy was a general normal trader from Kutch. He used to trade stuff from India, spices from India, furnitures from India to the world. His name is Kanji Malab. He was the guy who actually showed India to Vasco da Gama. And in our Indian books, we read in our history books, हमारे देश की खोज Vasco da Gama ने की. Vasco da Gama को खोज किसने कराई थी? Kanji Malab, a Kutchi trader from our own Gujarat. 1896 तक दुनिया में इट वॉज कंसिडर्ड एंड नोन, डायमंड की प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ भारत में होती. इफ डायमंड वॉज एवर प्रोड्यूस एनीवेयर, इट वॉज ओनली इन इंडिया टिल 1896. आफ्टर दैट मेजर माइंस वर फाउंड इन अफ्रीका एंड रशिया, एंड दिस वॉज पब्लिश्ड बाय जियोलॉजी ऑफ अमेरिका इंस्टीट्यूट. गोलकंडा से कोहिनूर हीरा, इफ यू मस्ट हैव हर्ड, हैदराबाद, हैदराबाद गोलकंडा कोहिनूर हीरा, दैट इज हाउ इट इज. सो वी वर दैट ग्लोरियस पीपल. मेडिसिन के इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जरी, 126 सर्जरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर इन्वेंटेड इन इंडिया 5000 इयर्स बैक. Imagine the glory we had, and imagine the future of our country now. हमारे बच्चे कहाँ जाना चाहते हैं?
यूएस पढ़ने जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, पहले क्या होता था, सब इधर आते थे पढ़ने। एकदम से ऐसा क्या बदल गया कि पूरे का पूरा देश उल्टा हो गया? भारत का मतलब क्या है? हर एक नाम हमारे देश में क्या होता है, हर एक नाम रखा जाता है ना, वी कैन संधि विच्छेद, वी कैन डिवाइड इट एंड वी कैन डिसाइपल द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। जैसे मेरा नाम मनस्वी है, इसको डिवाइड करेंगे तो मतलब पता चलेगा। जैसे भारत है, भारत का मतलब है भा प्लस अर्थ, भारत मीन्स लाइट प्लस नॉलेज। ये हम दिया करते थे पूरी दुनिया को तब, और अब वी आर सीकिंग लाइट एंड नॉलेज फ्रॉम अदर्स, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट एनीथिंग। कश्मीर में कुछ भी होता है फर्क नहीं पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश आधे से ज्यादा कैप्चर कर लिया चाइना में, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना जम्मू कश्मीर आधा कवर कर देता है, बोलता है हमारी टेरिटरी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। असम के वहां पे ब्रह्मपुत्र आती है, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर जो हम बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र आती है, वहां पे ऑलरेडी डैम वो बनाने वाले हैं जिससे इंडिया का वहां पे पानी बंद हो जाएगा, और जब वो चाहे उसी टाइम पे पानी फेंकेंगे और पूरे का पूरा आसाम फ्लड्स में आ जाएगा। वी आर नॉट कंसर्न, आर वी? कसाब क्या करे ना करे, बॉम्बे को ब्लास्ट करे कि किसी और को ब्लास्ट करे, जब तक मेरी फैमिली को, मेरे बंदों को, मेरे दोस्तों को कुछ नहीं होता, आई एम नॉट कंसर्न। एमएस धोनी अच्छा खेले या विराट उससे लड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने के लिए मैं बोलूंगा, फेसबुक पे स्टेटस डालूंगा, लुक एट द अर्निंग, फॉर एवरी क्लिक एवरी लाइक हुज अर्निंग, फेसबुक इज अर्निंग, फॉर एवरी लास्ट सीन जो हम देखते हैं हुज अर्निंग, मार्क ज़करबर्ग, एंड इन टर्न हुज अर्निंग, यूएसए इज अर्निंग। Have you thought about anything? दुनिया की कोई भी टॉप कंपनीज उठा लो, फ्रॉम फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हु आर लीडिंग देम? हु आर दे? Where did they come from? IITs. They came from India. NASA ले लो, टॉप इंडियंस। बेस्ट डॉक्टर्स इन USA? इंडियंस। बेस्ट इंजीनियर्स? इंडियंस। But best people in India? In America. Why? The population, which is a pollution in our country, can be converted into a very big asset. Every mind can do wonders. APJ Abdul Kalam mein aisa kya khas tha jo aap logon mein nahi hai? Wo to akhbare bech bech ke padh ke itna aage badhe. Aap logon ko to AC kamre mile hue hain, itna kuch karne ka mauka diya gaya hai, your teachers are there, your friends are there, but what is the problem? You know what? Our country is completely governed and controlled by foreigners. You'll ask me how. We are entitled, we are inclined towards iPhone 6, S Plus, पता नहीं क्या क्या आते रहते, WhatsApp, Facebook, कपड़े कौन से पहनने हमको, Tommy के, जूते कौन से पहनने हमको, Nike के, Adidas के, बातें कौन सी करनी है इंग्लिश में, अगर मैं हिंदी में बात करूंगा बोलोगे गवार है। कभी आपने कभी सोचा कि हिंदी स्पीकिंग क्लासेस नहीं होती हमारे देश में? कपड़े नहीं उतारा हूं, सिर्फ गर्मी लग गई। हमको क्यों और क्यों इंग्लिश से इतना इंटरेस्ट है? कभी सोचा चाइना वालों ने एलिट्स का एग्जाम दिया और इंडिया में आने के लिए? हमारे देश में कोई भी कभी भी आ सकता है, पर हमको किसी भी देश में जाना है तो हमको एग्जाम देने पड़ते हैं। हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो हम लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। The most suitable language for computer science is Sanskrit. 1986 Forbes. The most suitable language for computer science is Sanskrit. And the most paid computer engineers in all the IT based companies are compulsory made to learn to study Sanskrit so they can code better. Many bol raha. Whatever I am speaking, you can search on Google. Obviously, India का तो कोई नहीं searching है। You can search on Google. जो भी सबसे ज़्यादा paid employee होगा ना Google का, उसको संस्कृत compulsory आती हो। That is how he is paid the most. और हमारे देश में देखो, अब मेरे से हमारे CIA के दोस्त हैं, मैं उनको message करता हूँ राहुल को, सर आप कहाँ हो? मैं कैसे लिखूँगा? SIRKAHAN हो, कहाँ हो? हम हिंदी नहीं लिखते, हम गुजराती बोलते जा रहे हैं, हम हिंदी भूल चुके हैं, संस्कृत तो कहाँ गई पता भी, और वो हमसे सीखते हैं। सो व्हाई इज इट
जब कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिलेगा, when he'll be awarded a Nobel Prize, we'll start respecting him. He was fighting since 20 years, two decades, for Bachpan Bachao Andolan. He was fighting for the rights of young, human rights of the children. But he was not recognized by anyone. But when British Parliament referred his name for the Nobel Prize, we all want to have a picture with him. Why do we need respect from not even others, but foreigners? Rabindranath Tagore writes in one of his essays that I used to be a normal poet, and I'm still a normal poet. But suddenly there was a drastic change. As soon as life changed after Nobel Prize, people wanted to hear my Gitanjali. Earlier I used to go and tell, bhaiya Gitanjali sun lo, no one was interested. But when I received a Nobel Prize, everyone wants to listen to me. Why are we so inclined towards recognition from foreigners? Can't you all greet each other properly? Can't you all recognize everyone's talent properly? If you guys, a bunch of 50 people, decide कि हाँ हम अपने देश को आगे लेके जाएंगे, अब देश को आगे लेके जाना आपको कुछ भी नहीं करना, देश बहुत आगे है, देश को क्या आप अपने आप को आगे लेके जाओगे, देश अपने आप आगे जाएगा। अगर आप अपने अपने करियर में मेहनत करो और आप सोचो कि मैं कॉपी करके आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं मेहनत करके आगे बढ़ूंगा, चाहे जितना भी नंबर है, इररिलेवेंट है, नंबर्स डोंट रियली मैटर, व्हाट मैटर्स इज इंटेंशंस एंड एथिक्स। अगर हम सही तरीके से काम करेंगे, देश अपने आप आगे जाएगा। करना क्या, हमको सिर्फ अपने लेवल की प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है। We have to not abandon the foreign. We start our days with the foreign products. Colgate से शुरू करते हैं, end करते हैं, sleep well में सोते हैं। I'm not saying abandoning all the products. I'm saying we are behind right now. But we have that blood, वही खून है, बस उसको जगाने की जरूरत। सबसे पहला डैम सुरेंद्रनगर में बना था दुनिया। We were so glorious. You talk about science. हमने बता दिया था कि दुनिया गोल है, much before the Greek and then Britishers said. Zinc production was there nowhere in the world but in India till 16th century. We were not that smart. The smartness was there in everyone. ऐसा नहीं कि हम लोग सब एक ही आदमी इंटेलिजेंट था हमारे देश में, बाकी सब नालायक थे। सारे के सारे इंटेलिजेंट। अब I tell you the intelligence. Zinc. How many of you? None of you would be from the science. I'm not from science background, but So it turns into vapor, it vaporizes. So there is where you get the pure zinc metal. So we, the smart Indians, what we did was, हमने आग देने का तरीका ऊपर से नीचे कर दिया। मतलब नीचे से आग देते थे, वहाँ से we used to get the pure zinc, and then we used to extract the pure zinc. So we were that smart. And look at the smartness the Chinese had then. 16th century तक it was only in India, हमसे copy किया किसी Chinese भाई ने, Chinese भाई से copy किया किसी Britisher भाई ने, and उसको patent करा दिया। यही नहीं, हद यहां से नहीं शुरू हुई। नीम को पेटेंट कराने के लिए अभी लड़ाई चल रही थी अमेरिका में, हल्दी को पेटेंट कराने की लड़ाई चल रही थी, विच इज ओनली एंड ओनली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। दुनिया की कोई भी कंट्री या कंपनी ऐसी नहीं है विच कैन प्रोड्यूस अ रस्ट प्रूफ आयरन। सुना कभी आपने रस्ट प्रूफ आयरन? रस्ट नहीं, जिसमें जंग नहीं लगता। एक पिलर खड़ा है नोन एज अशोकन आयरन पिलर, मोर देन 2000 इयर्स हैव पास्ड बट इट इज स्टिल इंटैक्ट, स्टिल रस्ट प्रूफ। हाउ वी डोंट नो, बिकॉज यू हैव लॉस्ट द टेक्नोलॉजी। इट्स नॉट ओनली विद अशोक, अशोक चलो राजा था, उसके पास हो सकती है, उसके पास नोबल्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने कर दिया। मध्य प्रदेश के एक गांव में उनके राजा के स्वागत के लिए व्हाट दीज ट्राइबल्स डिड वाज, उन्होंने तीन आयरन स्तंभ लगाए जो आज भी उस गांव में रस्ट प्रूफ इंटैक्ट खड़े हैं। व्हाट दिस दिस शो इज कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ नोबल्स, राजाओं, साइंटिस्ट के पास नहीं थी, कॉमन्स के पास नहीं थी, वो इवन ट्राइबल्स के पास अवेलेबल थी। द ग्लोरी ऑफ इंडिया, द सोने की चिड़िया वॉज इन अस विच फ्लू जोड़ के चले गए। योगा रिकॉग्नाइज हम कब करेंगे? जब यूएस करेगा तब। क्यों हमें रिकॉग्निशन चाहिए? I'm just tired of this. I'm just tired of asking this. Why do we need recognition? मार्क ज़करबर्ग के साथ फोटो खिंचा के हमें अच्छा लगेगा।
हमारे बीच में कोई टैलेंटेड बंदा होगा उसकी हम लात खींचेंगे। एल एस आइस बकेट चैलेंज सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ। पानी में डाल डाल के फोटो डाल डाल के वीडियो डाल डाल के बता एल एस आइस बकेट चैलेंज उसका मतलब क्या है, क्यों किया पता नहीं, पर फन था, अच्छा था, मजा आया, लाइक्स आए, इसलिए हमने किया, कितनी व्यूअरशिप बढ़ी। जब स्वच्छ भारत की हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं तो किसी को स्वच्छता से लेना देना नहीं, क्योंकि उससे हमें लाइक्स नहीं मिलेगी, क्योंकि उससे नीचे झुकना पड़ेगा। नाउ वी हैव टर्न्ड फ्रॉम डूअर्स टू शो स्टॉपर्स। हमको सिर्फ और सिर्फ दिखावे मतलब। हम लोग इंडिया की प्राइड तब मनाएंगे जब वर्ल्ड कप जीतेगी इंडिया, हमको रोना तब आएगा जब सचिन रिटायर हो जाएगा जो ब्रिटिशर्स ने हमें गेम दी, हमारे हॉकी के ध्यानचंद ने क्या क्या काम किया हमें लेना देना ही नहीं। We are centric to some things. Our heroes are Bollywood heroes. Our heroes are not those people who live their life for death. Army people. हमें पता ही नहीं है वो लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं। इतनी सर्दी में हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या क्या चीजें करते हैं हमें लेना देना ही नहीं। बट तमाशा में दीपिका और रणबीर का वापस से चक्कर चला कि नहीं चला, that is what we are concerned about. Look at our concern. We are not concerned कि हमारे देश की टेरिटरी खराब हो रही है। Look at our concern कि we have become a dumping ground for international companies. We are not making India, but we are wanting to other countries to come here, make in India, and we don't want to make in India. We are turning into a labor-oriented country, wherein we would be used as laborers, wherein we are trained to seek jobs, wherein no one is talking about new ideas, no one is talking about entrepreneurship, no one is talking about creating an enterprise, creating a company, wherein we employ people from around the world. Israel is one country which is investing 96% of its GDP in R&D. And we as a nation invest only 4% of our GDP in R&D. So where will we think? कभी आपने सुना, सोचा कि किसी बच्चे ने बोला कि मुझे साइंटिस्ट बनना है? आजकल बच्चों से पूछो क्या बनना है, बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी में क्या करना है, मुझे बहुत पैसे कमाने, कैसे कमाने, क्या करना है, क्यों करना है, वो नहीं पता। क्या चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। कौन सी गाड़ी चाहिए, रोल्स रॉयस की, गाड़ियों के नाम पता है। ये नहीं कभी किसी ने बोला कि मुझे एक ऐसी गाड़ी बनानी है जो दुनिया की सबसे महंगी कार हो, जो पूरी दुनिया खरीदेगी और चाहेगी खरीदने। कौन सा मोबाइल चाहिए बेटा, आईफोन चाहिए। क्यों चाहिए पता नहीं, पर वो ही चाहिए। किसी ने सोचा मैं आईफोन से बढ़िया फोन बना के दिखाऊंगा जो हमारे देश का फोन हो? सोचो क्यों ऐसा है कि एप्पल का जो ट्रेजरी है वो यूके यूएस से ज्यादा है? क्या हमारे पास वो कंपनी नहीं बन सकती? उससे कितने लोगों की लाइफ बदलती है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कितना इनकम टैक्स होता है। आर वी जस्ट एंड जस्ट अ डंपिंग ग्राउंड फॉर फॉरेन कंट्रीज? आर वी जस्ट गोइंग टू बी एम्प्लॉयड बाय फॉरेन पीपल? और आर वी एक्चुअली गोइंग टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री? और इस कंट्री को मैं सेल्फलेसली नहीं बोल रहा हूं, सेल्फिशली बोल रहा हूं। अगर इस देश के लिए कुछ भी करना है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करें। आप अपनी काबिलियत बढ़ाओगे, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। डोंट डू एनीथिंग फॉर दिस नेशन, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। ट्रस्ट योर सेल्फ कि येस आई कैन डू समथिंग फॉर माई ओन सेल्फ। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने एक फेसबुक जैसी कोई चीज बना दी ना, वो कितने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। हम लोग क्या है, थिंक ऑफ दिस फैक्टर। व्हाई इज अमेज़न इन्वेस्टिंग इन इंडिया? व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ सॉफ्टबैंक इन्वेस्टिंग इन इंडिया? व्हाई डिड ही हायर निकेश अरोड़ा एज द सेकंड मोस्ट पोजीशन इन हिज कंपनी? व्हाई इज अलीबाबा इन्वेस्टिंग इन इंडिया? उनको इंडिया से प्यार है। फेसबुक को क्या लेना है internet.org, क्यों इतनी पब्लिसिटी कर रहा है? उसको प्यार है इंडिया से, क्यों? Everything is a strategy. 1/6 of the population of the world is India. 1/6 of the revenue of the world global companies would be India. For the every click, every WhatsApp chat, who's earning? US is earning. Our data is transmitted there. हमारा बेचारा हाइक वाला बच्चा किसी ने डाउनलोड नहीं किया होगा। We have made it compulsory in our organization. We'll be talking only in Hype. अगर चोरी भी करेगा तो हमारा कोई भर्ती करेगा। How Indian are we? Are we Indian? No. I started wearing title from the idea of Back to Bharat. I'll purchase only Indian products. I don't want to give a single penny to any outside country.
एनी आउटसाइड कंपनी, दे आर नॉट बेनिफिटिंग मी. मैं टैग वेयर पहनूंगा तो उसका फायदा मेरे सीएसआर से मेरे किसी भी आदमी को नहीं मिलेगा, उसका इनकम टैक्स मेरे बंदे को नहीं मिलेगा, सारा का सारा पैसा जाएगा टैग वेयर के मालिक के पास. सो हाउ डू वी इंप्रूव? वील से दैट हमारी घड़ियां अच्छी नहीं है, हमारी कार्स अच्छी नहीं है, हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमारा सर्विस अच्छी नहीं है, तो ये अच्छी कैसे हो? जब हम लेंगे, जब हम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट बनाया जाता है. कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती, उसको बनाया जाता है. जब हम ये सोचेंगे ना कि हम सबको एक साथ चलना, चाहे माइक्रोमैक्स वाला हमको माने या ना माने, हम माइक्रोमैक्स खरीदेंगे, गलती होगी हम सब उसको बताएंगे, भाई तेरी गलती है, आई विल स्टिल परचेज योर प्रोडक्ट बट आई वांट यू टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल्स, आई विल सपोर्ट यू, आई विल बाय योर प्रोडक्ट, एंड ही इन टर्न सेज आई डोंट बाय, आई डोंट हैव एनी एम्प्लॉयज फ्रॉम एनी अदर कंट्री बट आई विल एम्प्लॉय यू गाइस. अभी सचिन बंसल और मिनी बंसल अगर फ्लिपकार्ट को आगे लेके जाएंगे तो किसको एम्प्लॉयमेंट देंगे? हमको अमेज़न की डिलीवरी बहुत पसंद है, फटाफट कर देते हैं, एक दो दिन में डिलीवरी कर देते हैं, उनकी रिटर्न पॉलिसी भी अच्छी है, वो भी अच्छी है. पर आपने ये देखा कि सचिन और बिनी ने वहां से सीख के इतना अच्छा करने की कोशिश की? वी शुड फील प्राइड आउट ऑफ इट. अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ स्टोरी इन बैंगलोर, देयर इज दिस, इन हैदराबाद देयर इज दिस गाय, बिकॉज ऑफ अ लूप होल, हम लोग बहुत अच्छे हैं लूप होल्स निकालने, पीपल कम टू मी, भैया टैक्स के लूप होल बताना ना, जिस तरीके से मैं बच जाऊं, किस तरीके से मेरे को जेल नहीं होगी, वो वाले तरीके बताओ, वो वाले लॉस बताओ ना, कि मैं गलत भी कर लूं बच जाऊं. आवर मेंटालिटी इज इन फाइंडिंग लूपहोल्स. तो इन लूपहोल्स फ्लिपकार्ट, सो दिस गाय फ्रॉम हैदराबाद, व्हाट ही डिड वाज, क्योंकि देयर वाज द रिटर्न पॉलिसी इन अ ईयर बैक, जिसके चक्कर में व्हाट दे डिड वाज, प्रोडक्ट्स मंगा लिए, बार बार बेच दिए, कुछ 20-25 लाख का किया, फिर व्हेन दे रियलाइज दैट, उनकी उसकी एफआईआर की. लुक एट द करप्ट माइंड वी हैव. Corruption starts from a student to the biggest minister. But why are they corrupt? Who makes them corrupt? Suppose I, as a faculty, come here, but I don't teach you. You love me. You will love the fact that I give you attendance, I give you marks, but I don't teach you. But you will not love me if I teach you. Galat kaun hai? Barbaad kaun hoga isme? Similarly, those people whom we elect, who are they? Our representatives. If we do not question them, galti kiski hai? So what we do in every 5 years is, every AMC, every state election, every union election, we vote and click a photo and show it to the world. I am a proud Indian, I voted. Have you voted? We question this. But we have we questioned any of our people, any of our MLS, MPs, ki yaar mere wahan pe sadak kyun ban rahi hai? जब सड़क ऑलरेडी है वहां पे सड़क की जरूरत नहीं, जहां जरूरत है वहां क्यों नहीं बनती? डंपिंग ग्राउंड क्यों मेरे आजू बाजू हो रहा है? क्यों सड़क की जो लेंथ होती है, जो चलने की उनकी लॉन्गिविटी होती है, 7 साल चलनी चाहिए, वो क्यों 7 महीने में खराब हो जाती है? हमारे यहाँ पे 2 गार्डन आने थे, अभी तक एक भी गार्डन नहीं आया. फ्लाईओवर 17 बनने थे, अभी तक एक भी नहीं बना. हैवी क्वेश्चन? फिर हमारा देश खराब है. इतना सा वी आर ओनली कंसर्न एंड वी क्राई अबाउट अवर कंट्री ओनली एट द टाइम of paying income tax. अभी आपको नहीं पता होगा क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो. When you will grow into professionals and businessmen, you will be only concerned about this country and that too in the negative thing कि यार income tax भरना पड़ता है. देश तो कुछ करता नहीं है. आपने क्या किया देश को कुछ कराने के लिए? आपने कभी भी किसी को क्वेश्चन पूछा? एक बहुत ही वंडरफुल एक्ट है हमारी RTI, सुना होगा सबने, यूज कभी नहीं किया होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारे देश में बहुत लेट आई पर बहुत अच्छी तरह आई एंड इट्स अ वंडरफुल एक्ट. उस एक्ट के थ्रू यू कैन क्वेश्चन एनीथिंग एंड एनीवन, बट हैव यू क्वेश्चन एनीवन? जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, सपोज देयर इज अ टीचर, सर को पता होगा, सर टीचर्स के लिए अगर बच्चे पढ़ के नहीं आए, क्वेश्चन नहीं पूछे, दे वुड बी डिलाइटफुल स्टूडेंट्स. कुछ भी आ जाओ, बच्चों को तो इंटरेस्ट है नहीं, कुछ भी पढ़ा दो, क्वेश्चन पूछेंगे. सिमिलरली मिनिस्टर्स के लिए, उनको पता है हमारी जनता तो सोई हुई है, कभी जागेगी नहीं, कुछ पूछो मत, ये कुछ पूछने नहीं वाले, लेट्स डू व्हाटएवर आई वांट टू डू. देयर इज वेयर व्हेन द फ्रीडम, व्हेन दीस गाइस बिकम डेमिगॉड्स. जब आप कभी भी अपने मिनिस्टर को मिलने गए हो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, डू दिस, मिलने जाओ, क्या वो मिलेंगे आपको? क्यों नहीं मिलेंगे जब आपके घर पे आते हैं वोट लेने? क्योंकि आप उनको 70 सालों से हमने उनको ये मौका दिया है,
वी हैव ट्रस्टेड देम. हम बड़े बड़े मिनिस्टर्स को बुलाएंगे, रिबन से कटवाएंगे, उनसे कुछ नहीं पूछेंगे. आस्क ट्रूथफुल हार्ड क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज योर नेशन. सोचो कल को किसी बड़ी कंपनी को जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं उतना बेच दिया कि हर ऑक्सीजन पे टैक्स लगेगा, हर ऑक्सीजन आपको यहीं से खरीदना पड़ेगा. हाउ प्राइवेटाइजेशन इज गुड, इज इट गुड और नॉट, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वी ऑल हैव टू शिफ्ट टू यूएसए. तो उनको तो लेबरर्स की जरूरत है, हमारे देश में तो हमारी इज्जत है नहीं, तो हमें उधर ही जाना. सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस इन थ्रू विच वी कैन एक्चुअली चेंज आवर नेशन बाय बीइंग आवरसेल्फ, बाय बीइंग डूइंग समथिंग फॉर दिस नेशन. और देश तभी बदलेगा जब मैं बदलूं. किसी चाइनीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे देश में क्या हो रहा है, किसी अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर देश में अर्थक्वेक आएगा तो मेरा घर उजड़ेगा, आपका घर उजड़ेगा, पर किसी चाइनीज और अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे देश में क्या हो रहा है. वी आर जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनी अदर कंपनी, एनी अदर कंट्री. नाउ वी हैव टू चेंज दिस एंड आई बिलीव एवरी वन ऑफ यू हैव दैट पावर. वी बिलोंग फ्रॉम द नेशन of Chanakya, we belong from the nation of Satya, we belong from the nation of Sundar. Hamara desh glorious hai, hamare mein wo taakat hai, bas humko wo realize karne ki zarurat hai who we are. Light plus knowledge hum sab mein hai, hame ek dusre mein vishwas karne ki zarurat hai. Hame wo softwares, wo business ethics, aap log sab MBA ke bacche, wo business ethics banao ki excellence ke bacche jab bahar nikle they'll be known for their integrity, their ethics and their punctuality. What you should be known for? आप किस चीज के लिए जान रहे? आप जब प्लेसमेंट में बैठते हो आपकी सबसे इच्छा क्या होती है? सबसे बड़ा पैकेज मिले. आपने कभी अपने आप से इच्छा की कि मेरे को पैकेज इसलिए मिले क्योंकि मैं बहुत पंचुअल हूं, मेरी नॉलेज मेरे पर्टिकुलर फील्ड में सबसे ज्यादा है एंड आई डू, मेरे आने के बाद इस कंपनी का फॉर्च्यून बदल गया. क्या आपने कभी यह सोचा? क्या आपने अपने आप पर मेहनत करने के लिए कुछ किया तो अपने आप ये देश सुधर गया? देश को बदलने के लिए हमको 100 लोगों की जरूरत नहीं है, 10 अच्छे लोगों की जरूरत है जो विश्वास रखें कि हम इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं. और कुछ में क्या करना है, अपने आप को सुधारना है. मंगल पर पहुंच गए पर बाजू की गली में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं. इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे देश में, इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, पर टैलेंट को नहीं देखना. कोई बाहर का कोई कुछ करेगा उसको लाइक करेंगे, यहां का कोई अच्छा काम करेगा उसको लाइक ही नहीं करेंगे, देख लेंगे छोड़ देंगे. Let's build this. Let's build enterprises. Let's build togetherness. Let's work together. आप लोग problem पता क्या? आप लोगों को लगता है आप सब एक दूसरे के दुश्मन. Placement committee. अगर यार उसका निकल गया तो मेरा रह जाएगा, उसका निकल गया तो मेरा में. जो भी कंपनी है उसको दिखाओ कि यार ये जो बैच आया है ना ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब एक साथ काम कर रहे हैं. They are wonderful team workers. They believe in each other. सोचो फॉर अ फैक्ट एक इंटरव्यूअर आपके पास बैठा है, आप सब लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं. अब ये नहीं बोल रहे वो लड़की खराब थी यार, वो गॉसिप बहुत करती है. अब वो लड़का वो नहीं बोल रहा है वो सर एथिकल नहीं है, वो मतलब आप बोलोगे ना ऐसे ही बेच बेच लेगा आपकी कंपनी. अगर आप सब एक दूसरे, हम सब में कमियां हैं, नो वन इज परफेक्ट, बट टुगेदर वी कैन बिकम परफेक्ट. क्योंकि हमारे जो प्लस पॉइंट्स है टुगेदर इट विल मेक अ वंडरफुल टीम इंडिया. For that, you guys have to work. This has to be a daily thing. जैसे prayer करते हैं ना, उसी तरीके से we have to understand, we have to collaborate locally and compete globally. What are we doing right now? We are collaborating with the globe, but competing locally. सबसे बड़े हमारे competitors हमारे आजू बाजू बैठे. हम collaboration ढूंढ रहे हैं जापान के साथ. आओ भाई हमारे metro बना दो, bullet train बना दो. हम लोग नहीं बना सकते, लाइन हमारी, जगह हमारी, स्टील हमारा, चढ़ने वाले लोग भी हमारे, फिर भी पैसा किसको जाएगा? किले का पानी हम पी गए, पानी मेरा, प्लास्टिक मेरा, फिर भी पैसा जाएगा कोका कोला को. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आर थिंग्स हैपनिंग. इकोनॉमिक्स इज नॉट व्हाट इज टॉक्ड टू यू, इकोनॉमिक्स इज समथिंग व्हिच इज नॉट टॉक्ड टू यू. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई आर थिंग्स हैपनिंग. And you have to start questioning before the government yourself. Thank you very much.
कोई क्वेश्चंस किसी को? वी हैव डन अ सोशल एक्सपेरिमेंट इसी चीज पे. एज वन ऑफ द गाय वाज रीडिंग देयर, वी हैव स्टार्टेड अ मूवमेंट व्हिच इज नोन एज बैक टू भारत. बैक टू भारत मींस, भारत का मतलब तो आपको पता ही, लाइक प्लस नॉलेज. आई एम नॉट कॉलिंग एनी ऑफ द एनआरआईज बैक टू माय कंट्री. बैक टू भारत मींस क्रिएटिंग दैट एनवायरमेंट अगेन. हाउ आर वी डूइंग दैट? वी आर ट्राइंग टू हैव अ लाइक माइंडेड पीपल्स क्लब विच इज नोन एज बी टू बी क्लब्स विच वुड बी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री. लाइक वाया के क्लब्स होते हैं, उसी तरीके से वील हैव बी टू बी क्लब्स. इट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी इन नॉर्थ एंड साउथ. दिस पार्ट ऑफ द कंट्री वी हैव नॉट स्टार्टेड एग्जीक्यूटेड येट. बट द कॉन्सेंट्रेशन इज ओनली वन, that how together we can do something. We are spending 2 hours to build this nation. Hum questions kaise poochte hain? How would our Ahmedabad look? Agar main D Thara hota, to main Ahmedabad ke liye kya kya karta? Bachpan mein hum log question poochte the, extemporary karte the, ki agar main Pradhan Mantri hota kya karta, agar Prime Minister hota kya karta, agar main Principal hota kya karta. Wo questions bahut relevant the. Aaj humne poochne band kar diye. Kyunki humko apne main pe to vishwas hi nahi hai, main to kuch nahi kar sakta. अगर मैं ये होता तो अहमदाबाद को कैसे देखता? तो वो देखने के लिए कुछ ज्यादा चीजें नहीं है. सड़कें साफ होनी चाहिए, वो सब चीजें होनी चाहिए, ट्रैफिक सही होना चाहिए. तो हमने डिसाइड क्या किया? क्वेश्चन जब रेपिटेटिव हो गया ना, ये चीजें एक अच्छे देश में होनी चाहिए, अच्छी सिटी में होनी चाहिए, हमने वो करना शुरू कर दिया. एवरी वीक व्हाट वी डू, 2 आवर्स अ डे वी स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर दिस कंट्री. एंड हम लोग क्या करते हैं, हमने जैसे प्रगति नगर गार्डन की रोड है, आपकी ये रोड है, उसका नाम बदल दिया अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने अपने हाई ग्रुप में, उसका नाम मनस्वी रोड रखती, उसकी साफ करने की जिम्मेदारी मेरी. वहां पे ट्रैफिक है, उसको संभालने की जिम्मेदारी मेरी. एटलीस्ट 2 आवर्स पर, 2 घंटे मेरे को वो वाले 100-200 लोग जब देखेंगे ना, उनको रियलाइज होगा यार ये कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, पर क्वेश्चन जरूर करते हैं वो. एंड यू डोंट हैव टू हैव एनी क्लब्स, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी, आपकी जो भी रोड गली लोकेलिटी है उसको सही तरीके से किस तरीके से आगे लेके जाना है, उसको आप जिम्मेदारी उठाओ. Don't question your municipal government. Don't question your state government. Question yourself. This is my locality. I'll do something for this locality. हमारे आजू-बाजू के जो लोग हैं, municipal बच्चे हैं, जिनको education नहीं मिली, उनको 2 घंटे basic skills आप सिखाएं. आप लोग इतने educated हैं, उनको आप education दीजिए कि ये चीजें होती हैं. 12th के बाद ये आप option खोलो. This will take nothing, but this will give immense pleasure and a fruit to the people. It is needed the most. चलो. Through you once. Very good. Thank you.